सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, अभी अभी बज रहे सुबह के 10 एंड मैं अभी सारी चीज़ों को सही कर रहा हूँ, बेल्ट सेटल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जाना है दिल्ली। एंड मैंने अभी हॉस्टल नहीं लिया, आ गया था कुछ दिन के लिए भैया क्या, तो मैं 2-3 दिन रहा शायद। संडे है ना आने वाले दिनों में, तो संडे को चला जाऊँगा दिल्ली वापस। सो अभी फिलहाल सेटल करते सारा चीज़। यहाँ पे फेंकेंगे हम कूड़ा, कूड़ा फेंकने के लिए आए हैं गाइस, कूड़ों के ढेर में। एंड दिस इज़ वेरी बैड कि गाय ये कूड़ा खाती है। ये देखो भाई, पकड़ के ले जाएंगे हमको। ये आ गया भाई कूड़ा, ये रहा कूड़ा हाथ में। और ये टेम्पो वाला ठोक देता मैं कभी। यहाँ पे कल भी है हाथ धोने के लिए, कूड़ा फेंकने के बाद यहाँ पे हाथ धो लो भाई। गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा फील्ड भी है, हमने देखी ना थी, आज देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो हम ऐसे चलते चलते फील्ड में भी आगे बगल में था, मतलब ये देखो यहाँ पे कूड़ा एंड यहाँ पे हम। फील्ड तो काफ़ी बड़ा है, देखो किसी का किला बन रहा है। बताना भाई कैसी लग रही है इसकी क्वालिटी, मुझे तो सही लग रहा भाई, मस्त फील्ड ऑफ व्यू आ रहा है एकदम मस्त तगड़ा वाला। 15 मिनट्स लेट स्ट्रॉबेरी खा लो गाइस। एंड एक चीज और, मैं डाटा लीक कर रहा हूँ भाई, जिसको जिसको डाटा चाहिए इस कंपनी का हो गया लीक। सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्टल, सारी पैकिंग डन हो गई है। ये रहे सारी बैग्स, एक ट्रॉली, एक हैंड बैग एंड ये मेरा ब्लैंकेट, जूते और कुछ नहीं। ये सीक्रेट है, ये अभी नहीं बताऊंगा मैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतना कुछ सामान लेके जा रहा हूँ, मैं भी बिल्कुल एकदम रेडी हो गया हूँ एंड फटाफट यहाँ से निकलते हैं। जाने मेरे को ऑलमोस्ट 1 घंटा लग जाएगा, सो चलो आप भी ले चाहिए। एंड ये हमारे भैया भी आ गए नहा के, मतलब सारी मुँह धो के, एंड ये मेरे साथ जाएंगे अभी। Two hours later. After a long journey भाई, बहुत देर बाद मैं अब जाके अपने रूम पहुँचा हूँ। बहुत देर बाद मतलब क्या ही बताऊँ मैं, इतना ट्रैफिक था ना भाई, 3 लेन दिल्ली में जितने भी बड़े बड़े रोड्स हैं सारे। एंड आई नो ये हॉस्टल है भाई, यहाँ लाइट वगैरह की प्रॉब्लम है, बट कोई नहीं। अभी कुछ ऐसा सामान बिखरा पड़ा यहाँ पे, बैग वगैरह ये सारी चीज़ें ऐसी पड़ी है यहाँ पे ऐसे। सो गाइज मैं अभी अपना रूम वगैरह सब साफ़ सुथरा करके, मतलब ये सारी चीज़ें जो भी दिख रही है ना यहाँ पे, सारी चीज़ों को मैं इसके जगह पर रखता हूँ फिलहाल। एंड टाइम लगने वाला है ऑब्वियस सी बात है, मैं हॉस्टल सेटल करने में टाइम लगेगा, कोई नहीं करते हैं फटाफट। ऐसा कुछ लग रहा है, मैंने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन ही कर दी है यहाँ पे। ये और ये थोड़ा बहुत सामान पड़ा है, बाकी ये मैंने बेड बगल वाले रूम से चेंज कर दिया। आई डोंट नो मेरे पास ये रहने देंगे या नहीं, बट देखते जो भी है। थोड़ा बहुत और बच रहा है, वो भी मैं कर ही लेता हूँ लगे हाथ, क्योंकि फिर वही है टाइम बर्बाद हो जाए ना, तो आज बर्बाद हो रहा है, पूरा बर्बाद ही करते थे। सो ऑलमोस्ट सारा चीज़ डन हो गया। ये देखो मेरी बेड है, मतलब जितनी एक जेल में बेड होती है ना, इतनी छोटी मेरी बेड है। मतलब मैं भाई अच्छे से, मतलब क्या ही बोलूँ। तो फिलहाल ऐसा ये
पहले से है। यहाँ देखो दीवार पे कुछ फॉर्मूले लिखे पड़े हैं, ये फॉर्मूला है फोर्स का, एनर्जी, पावर, प्रेशर, ये सारी चीज़ें। एंड यहाँ पे लॉक का वैल्यू लिखा पड़ा है। यहाँ पे रीडिंग नोट कर लेना गाइस। गाइस मेरे को बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है, मेरे को बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। पता है क्यों पता हो रहा है सच में यार, बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है। मैं दिखाऊंगा ना, तुम भी कहोगे यार सही कह रहे हो। लेट मी शो यू समथिंग। पहला दिन है हॉस्टल में, सब्जी में क्या है, कद्दू की सब्जी ये बीन्स, पता नहीं यहाँ के मेरे को क्या क्या वापस से खाने पड़ रहे हैं। वापस वही हॉस्टल लिया ना मैं, उतना क्या ही बोलूँ मैं। चलो लीव इट। ओहो बहुत बुरा लग रहा है मुझे, बहुत बुरा। इसको फोटो खिंचवाना है, फोटो खिंचवाना देख रहे हो गाइस, पोज देख रहे हो इसकी। ओहो